तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले भाई साहब जो यहाँ पे कल दुर्घटना हुई है उसके बारे में। और जैसे आप देख सकते हो भाई, अभी हम फिलहाल मौजूद है एक रेलवे लाइन पे। जैसे आप देख सकते हो भाई साहब, दो पटरी है यहाँ पे एंड अभी फिलहाल ट्रेन नहीं आई है, बाकी आएगी तो हम साइड में हो जाएंगे। कल यहाँ पे एक भाई साहब मतलब दुखदायक घटना हुई है, जो कि एक 8 साल की बच्ची थी वो भाई साहब इस पटरी को पार कर रही थी और भाई वही बात है, ट्रेन आ रही थी गाइस। और ट्रेन जैसी आ रही थी वो भाई समझ सकते हो यार कुचल गई। और उस जो भी लड़की थी यार, वो कोई तो कह रहा भाई 18-19 साल की थी, कोई कह रहा 8 साल की थी। तो अभी जो है भाई किसी को पक्का पता नहीं है, तो जैसे ही पता चले वो तो भाई ऑफिशियली आ जाएगा यार, अखबार में भी आ जाएगा। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई फिलहाल। और जो है अभी हम वीडियो बना रहे, हम चाहते कि भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने बच्चों को भाई साहब थोड़ा अवेयर करो कि बाहर ना जाए, और स्पेशली वो भी यार रेलवे लाइन के पास। यहाँ पे पता है यार ट्रेन कितनी फास्ट होती है यार, कब आती कब जाती है यार पता भी नहीं चलता। वो बात है यार बच्चों में थोड़ी समझ होती है तो भेजो, बट वही बात है छोटे बच्चों को भेजते तो गलत बात है। तो आपको भी दिखाते हैं यार, जैसे कि आप सभी देख सकते हो यार फिलहाल यही है वो जगह जहाँ से वो ट्रेन गई थी और कल वो लड़की बेचारी बुरा हुआ। एंड यहाँ पे भी जो ट्रेन का टाइम होने वाला लगभग, क्योंकि हॉर्न आज का भाई ट्रेन का यार, और ट्रेन जो अभी आ रही है भाई फिलहाल। तो यार वही बात है, अपन भी सेफ रहे, और क्यों यार आप से भी अपने बच्चे को बाहर ना भेजिए। आपको बताओ कंप्लीट बताने वाला यार कहाँ पे क्या हुआ था। और एक बार सबसे पहले तो ट्रेन आ रही है तो ट्रेन को जाने दे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों के साथ ही जो अपनी पटड़ी से आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं सामने। तो एक बार अभी से जो अपने कैमरा मैन उन्हें कहूँगा गाइस, अभी अभी वीडियो बना रहे हम, लेकिन अभी भी आने लग रहे हैं बच्चे। तो देखो यार ये होता है भाई साहब यार, ऐसे दुर्घटना होती है यार, पीछे से ट्रेन आ रही है जबकि हॉर्न दे रही है। अपने बच्चों का यार साइड में करना चाहिए, बट लोग क्या करते हैं, बच्चे फिर भी साइड में चल रहे, कोई परवाह नहीं है यार। तो थोड़ा यार अवेयरनेस जो है करनी चाहिए आपको भी, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, और जितना हो सकता है भाई रेलवे लाइन से जो दूरी रखो। हम भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, आप सभी को अवेयर करने के लिए। इस दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, कैसे भाई साहब बच के रहना चाहिए, तो ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए छोटी बच्ची अभी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा भाई साहब बच्चे यहाँ पे अभी, जैसे आप देख पा रहे हो वहाँ पे पीछे अभी भी जो भाई साहब छोटे बच्चे, वो भी लगभग भाई साहब 5-6 साल के हो गए यार, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे अभी भी वहाँ पे मतलब पटड़ी पे चल रहे हैं यार, मतलब सर यहाँ। और जिसमें कि अभी जो ट्रेन आने वाली थी भाई, वो तो बात है कि अच्छी बात है यार, ट्रेन जो है दूसरी लेन पे गई, बट वही बात अगर इस लेन पे होती, अगर बच्चों को पता भी नहीं चलता तो क्या होता यार। वही बात है, अपने माँ बाप जो है लापरवाही करते हैं यार बच्चों के, देख सकते यार। अरे आपको भाई बहुत जगह भी दिखाएंगे कहाँ पे क्या हुआ था, बट वही बात है यार जो थोड़ा समझ सकते हो यार, YouTube के भी खिलाफ है यार ओरिजिनल चीज़ दिखाना, जैसे आपको पता ही है। और वैसे वो तो भाई एक्सीडेंट था, सुसाइड तो नहीं था, बाकी अभी तक कोई भी पक्की खबर नहीं आई कि वो एक्सीडेंट था या फिर जो कुछ भी, मतलब ये भी नहीं पता चला सुसाइड हुई है। उनकी एज कितनी थी? हाँ एज भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है यार, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जिसमें से कुछ कह रहे थे मतलब, क्योंकि यार बच्ची थी तो किसी को मतलब भाई पेरेंट्स तक को नहीं पता था। और आपको एक बार दिखा देते हैं तो कैमरा मैन, एक बार फटाफट से ये सारा सराउंडिंग में दिखाओगे भाई कैसा कुछ एरिया है। और वही बात है यार, जैसे कि आप देख सकते हो पैर भी फिसला ना तो भी मतलब इधर उधर हो सकते यार, वही बात है। तो कैमरा मैन भाई तू भी बता यार कि थोड़ा बहुत तो अवेयर करना चाहिए हमें बच्चों को, क्योंकि अपना कैमरा मैन भाई साहब बहुत बढ़िया रिपोर्टर है। और भाई देख सकते यार हॉर्न अभी भी आ रहा है ट्रेन का, ट्रेन का नहीं वो ट्रक का है, तो भाई मतलब सिमिलर है थोड़ा बहुत। और एक बार दिखाते हैं यार आपको थोड़ी बहुत जगह, दिखाते कंप्लीट तो दिखाते, तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग जाएगा भाई इस एरिया के पास है। तो अभी से एक बार कैमरा मैन पता था, थोड़ा जूम करके दिखा दे वहाँ पे जहाँ पे वो घास सी है, तो वहाँ पे हुआ था भाई साहब ये घटना घटी थी। तो आपको कंप्लीट तो दिखा सकते ना ही हम उधर जा रहे हैं, बाकी आपको जितना हो सकता था उतना करीब से दिखा दिया है, इससे ज़्यादा यार हम नहीं कर सकते। तो आपको मैं सिंपली इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भाई साहब बाहर ना भेजे, और भाई, इस एरिया में तो जाएंगे मतलब इस एरिया में मत भेजो, रेलवे लाइन जहाँ पे हो ना तो रेलवे लाइन के पास यार मैं कह रहा हूँ भाई बिल्कुल भी मत भेजो, और वो भी छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी ना भेजो यार। जो सोचते कि भाई साहब इधर से पास पड़ जाए तो बिल्कुल मत भेजो यार, लॉन्ग कट ले लो बट शॉर्टकट बिल्कुल मत लो यार, शॉर्टकट कभी कभी दुर्घटना भी कर सकता है। और जैसे कि भाई जो अभी उनके माता पिता थे उस बच्ची के, तो उन पर क्या गुजर रही होगी भाई साहब, क्या बीत रही होगी यार, तो समझ सकते भाई, वही समझ सकते जब कोई बच्चा जाता है। और एक्सीडेंट यार इतना गलत हुआ यार, लिटरली कैमरा मैन भाई आंसू आ गए कैमरा मैन के भी यार, तो
भाई है यार, इतनी दुख की बात है, दुख की बात है। तो आपसे भी यार प्लीज थोड़ा अवेयर करो अपने बच्चों को, तो सतर्क रहो, सावधान रहो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तो धन्यवाद।